हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के वचन है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, फिर निज भाषा ज्ञान के भारत सबको न होत प्रवीण, फिर निज भाषा ज्ञान के भारतहीन के लेकिन जो बेचारा गुरुजन हमारे सामने बैठे हैं उनका सम्मान के लिए, गुरुजन कहते हैं देवता के स्वरूप होते हैं, द्योतक होते हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए देववाणी का प्रयोग करना चाहिए। पहले तो आश्चर्य होता है कि आप लोगों ने मंगल जन के लिए ही बुलाया, आप लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम आपको करना था तो हमेशा बड़ों को साथ में लेकर करना चाहिए। दुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है, अरे भारत से जहां सुबह की धारा बह रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसने अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, संस्कृति नहीं होगी, समाज नहीं होगा, हम लोग उच्च विचारक नहीं होंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे। संस्कृति सम्मान करना सिखाती है और संस्कृति में सम्मान का ह्रास हो रहा क्या है, तरीका क्या है? तो कवि ने यह भी लिखा है, कवि ने लिखा है सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा, हम भेड़ बकरी है इसके सत्ता की खुमारी में आजादी सो रही है, हड़ताल क्यों है इसकी हड़ताल हो रही है, लेकर के कर्ज खाओ, लेकर के कर्ज खाओ, यह फर्ज है तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा, हिंदी के भक्त हम हैं, जनता को यह जताते लेकिन सुपुत्र अपना कॉन्वेंट में पढ़ाते, बन जाएगा कलेक्टर देगा हमें सहारा, सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा, फिल्मों पर फिदा लड़के और फैशन पर फिदा लड़की